देवास जिले में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के सभी विकास खंडों में योग कार्यक्रम आयोजित किया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इंडस्ट्रियल पार्क टाटा चौराहा देवास इंदौर रोड में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामूहिक योग अभ्यास के लिए बड़ी संख्या में शामिल होकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु श्री राजेश बैरागी ने मंच पर योग का प्रदर्शन किया। उनके साथ साथ उपस्थित साथियों एवं अन्य लोगों ने योग के लिए हाथ उठाए। योग का प्रारंभ प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, श्री राजदेव खंडेलवाल, विधायक प्रतिनिधि श्री भरत चौधरी, दुर्गेश अग्रवाल, मनीष सेन, मनीष सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवसे, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, एसडीएम प्रदीप सोनी सहित अन्य जिलाधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। योगाभ्यास के पहले जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। प्रतिभागियों ने उपराष्ट्रपति को श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संदेश देखा। इस अवसर पर बताया कि योग मन की शांति, बुद्धि एवं शरीर के लिए सकारात्मक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें नियमित रूप से प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग मन व चित्त की एकाग्रता को बढ़ाता है तथा शरीर को स्वस्थ, निरोगी तथा हमें दीर्घायु बनाता है। सर बताइए, आज योग दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस पर प्रोग्राम आयोजित हुआ स्पोर्ट्स पार्क में, क्या मानते हैं आप, कितना जरूरी है योग? और सीएम साहब का और पीएम महोदय का भी इससे पहले उद्बोधन हुआ और देवास के स्पोर्ट्स पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देवास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इवन यूएन में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज देवास में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारे योग गुरु राजेश बैरागी जी के मार्गदर्शन में आज हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया है। इससे एक तरफ बहुत अच्छा मैसेज तो जाएगा ही कि हमें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना होता है, साथ में जो हमारे युवा हैं वो किस प्रकार से योग से अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रेरणा आज योग गुरु जी के द्वारा दी गई है। तो इसी के लिए मैं चाहूँगा जितने भी देवास जन हैं, देवास के नागरिकगण हैं, वो सभी हमारे राजेश गुरु जी जैसे प्रबुद्ध जनों से प्रेरणा लें और सब लोग रोजाना योग करें। एक दिन तो आज योग दिवस मनाया जाता है, लास्ट डे हमारा सवाल है, 364 डेज और इसको प्रमोट क्या प्रशासन भी करेगा आने वाले? हाँ, प्रयास करेगा कि आयुष विभाग के माध्यम से योग को हम और प्रमोट देवास जिले में करें। थैंक यू।